एटीट्यूड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड अगर तुम इस चीज को समझो. शेर जंगल का राजा इसीलिए है क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा तगड़ा है, बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. इसका मतलब है शेर ने यह बता दिया इंसानों को भी कि जंगल का राजा बनने के लिए आपको चतुर होने की जरूरत नहीं, आपको बड़ा लंबा होने की जरूरत नहीं, बड़ा तगड़ा होने की जरूरत नहीं, बड़ा तेज भागने की जरूरत नहीं. अगर आपको राजा बनना है आपको राजा खुद को मानना होगा. शेर को जो चीज डिफाइन करती है, अलग करती है पूरे एनिमल किंगडम से, वो है उसका एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम. गांधी जी वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी लॉयर, ही वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर. अगर तुम पढ़ोगे इस चीज को, अपने पिताजी के कहने पे उनको एक केस दिलवा दिया गया और केस लड़ने अफ्रीका जा रहे थे. सबको पता है ट्रेन से निकाल दिए गए. उन्होंने कहा नहीं मेरे पास फर्स्ट क्लास में बैठने का टिकट है. उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, यू डोंट डिजर्व टू सिट इन द फर्स्ट क्लास, उठा के बाहर फेंक दिया. मुझे एक बात बताएं आप, राष्ट्र को पिता ना मिलता अगर उस दिन ट्रेन से ना निकाले जाते गांधी. ठीक बोल रही हूं? अदरवाइज वो एक ब्राउन साहब बन के रहते, अफ्रीका जाते, आराम से वहां पे अंग्रेजों के बीच बैठते, चाय कॉफी पीते, इंग्लिश में पटर पटर सब करना चाहते थे, वापस आ जाते और देश को, उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है. That one incident, because he felt humiliated, changed the course of the entire freedom struggle. गांधी जी ने बोला अब मैं बताता हूँ, ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं देश से बाहर निकाल के दिखाऊंगा. मैं आप लोगों को ये